मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। गुजरात में ये विवादित बयान देते हुए हिंदू सेना ने ऐलान किया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, ऐसे में एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हुए एक बयान दिया था और इसी बयान पर हिंदू सेना ने दिल्ली में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, मगर अब गुजरात में हिंदू सेना ने असदुद्दीन ओवैसी की जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस तरह से जो चुने हुए सांसद है और इस तरह से इन पर इनाम रख कर इनका अपमान किया जा रहा है और इस तरह से ओवैसी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वालों पर कार्रवाई की भी मांग अब लोग कर रहे हैं। जय श्री राम, जय महाकाल। प्रतीक भट्ट, हिंदू सेना गुजरात अध्यक्ष। गुजरात हिंदू सेना द्वारा आज जाहिर करवामां आवे छे के हैदराबाद नो कूतरो जे सनातन धर्म विषय बफाट करे छे, अयोध्या में जे राम मंदिर बन्यो छे एना विषय बेफाम बोले छे, मुस्लिम युवकों ने मुश्केरी रही छे, आ कूतरो समझी लिए के बे वखत हुमलो थई गयेलो छे। હવે ગુજરાત હિન્દુ સેના આ હૈદરાબાદના ઓવેસી કુત્તાને ખુલ્લી ચેલેન્જ અને જાહેર કરે છે કે એની જીભ કાપનાર, સનાતન ધર્મ વિશે જે બોલનાર છે એની જીભ કાપશે અને 11 લાખ નું ઇનામ આપશે। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ।